हे गाइस, वेलकम टू SND एजुकेशन। दिस इज़ देवेंद्र हेड़ा और आज हम बात कर रहे हैं NIOT जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला गया है फॉर द ITI होल्डर्स के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कम्प्लीट सेलेक्शन प्रोसेस और जानकारी के ऊपर। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और चेन्नई में ये इस्टेब्लिश्ड है। और इसी के साथ में recruit@niot.res.in। एडवर्टीजमेंट की बात करें तो NIOT END/10/2023 रेगुलर है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको NIOT.res.in/recruitment_details.php डायरेक्ट बेसिस पर रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है, जिसमें आपके टेक्नीशियन ग्रेड ए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, वेल्डर, मैकेनिक एंड फिटर, इनके लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। पे लेवल आपको देखने को मिलेगा 19,900 से 63,200 तक लेवल टू, जिसमें आपके लिए 5 पोस्ट अवेलेबल है। ठीक, और इसी के साथ में साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड ए जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, लाइफ साइंस, इसमें भी आपके लिए 35,400 से लेकर 112,000 तक देखने को मिल रहा है, एंड 5 पोस्ट यहां पर अवेलेबल है। टेक्निकल ग्रेड ए के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें TGA EI 01/2023, पोस्ट नेम आपको बताई दिया है, और 2 अनरिजर्व्ड की पोस्ट है। एज लिमिट नॉट एग्जिटिंग 25 ईयर्स दिया गया है। क्वालिफिकेशन आपसे 10वीं पास मांगा गया है, साथ ही ITI भी होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आपसे मांगा जा रहा है। एक्सपीरियंस आपसे 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में मांगा गया है। और इसी के साथ में आपके पे लेवल जो है 2 दिया गया है, 19,900 से 63,200 तक, प्लस अलाउंस भी अलग से मिलेंगे, 7th पे कमीशन है, और जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर थ्रू द रिटन एग्ज़ाम एंड स्किल टेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वेल्डर के ऊपर। यहाँ पर W02/2023 एंड 1 अनरिजर्व्ड की दी गई है पोस्ट, और यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन आपसे 10वीं प्लस ITI मांगा गया है, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगा गया है। ठीक, एंड एक्सपीरियंस भी आपसे यहाँ पर भी 2 साल का मांगा गया है, और आपका जॉब रिक्रूटमेंट आपको अवेलेबल है। पे स्केल यहाँ पर 7 CPC 19,900 से 63,200 ही है, अलाउंस तो मिल ही रहे हैं, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट सब सेम। थर्ड बात करते हैं मैकेनिकल टेक्निकल ग्रेड ए, टेक्नीशियन ग्रेड ए के लिए TGA M03/2023 दिया है। 1 ईयर आप 1 पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है, और नॉट एग्जिटिंग 25 ईयर्स, और इसी के साथ में आपके लिए 10th+ ITI मांगा जा रहा है। डिज़ायरेबल यहाँ पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है, 7th पे कमीशन, और सब कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है। फीटर TGA FM 04/2023 फीटर टेक्नीशियन ग्रेड है। ठीक, यहाँ पर 1 पोस्ट है OBC की, 25 ईयर्स, 10+ ITI, रिलेवेंट ट्रेड, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एंड डिज़ायरेबल आपका 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में, और बाकी आपका ग्रेड पे और सब कुछ सेम रहने वाला है, सिलेक्शन आपका रिटर्न एंड स्किल टेस्ट। यहाँ आपको जो क्राइटेरिया ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग का दिया गया है, तो इसमें आपको मेंशन कर दिया गया है कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड थ्रू द इन द रेशियो ऑफ 1:50, 50 पे किसी एक वन को लिया जाएगा। और इसी के साथ में आपका जो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट है, ये कंडक्ट होगा एट NIOT चेन्नई, विच में भी सेम डे, एक ही दिन में दोनों हो जाएंगे। ठीक है, और कॉन्सिक्यूटिव डे सेम रहने वाला है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन पब्लिश कर दिया जाएगा वेबसाइट के ऊपर, मेक देयर ऑन अरेंजमेंट पर आपको जो है ट्रांसपोर्ट और स्टे रहने की व्यवस्था खुद करनी होगी। साइंटिफिक असिस्टेंट SAM 05/2023, ये भी ग्रेड ए है, 2 वैकेंसीज है, जनरल की एक, EWS की एक है, 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। एसेंशियल आपसे 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल मांगा जा रहा है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगा गया है, आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी के साथ में आपका 7th पे कमीशन देखने को मिल रहा है, 35,400 से लेकर 112,400 तक, और यहाँ पर भी आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इसी के साथ साइंटिफिक असिस्टेंट SAECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 07/2023 दिया गया है कोड, और 28 साल का यहाँ दिया गया है, 1 वैकेंसी है, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और आपका डिज़ायरेबल है 2 साल का एक्सपीरियंस, एंड सेम रहने वाला है पे स्केल, और सिलेक्शन प्रोसीजर भी सेम है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी 11 मार्च तक है। तो यही थी कुछ खास इन्फॉर्मेशन, बाकी आपको कोई भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।